किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ एक और सोया चाप की रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है। आई होप ये भी चाप आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं और करते हैं इसकी तैयारी। सबसे पहले हमें सोया चाप चाहिए होगी। ये फ्रोज़न वाली है और ये आधा किलो के करीब है। मैं इसे सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए मैरिनेट करूँगी। इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी और थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी और इसे हाथों की मदद से अच्छे से कोटिंग कर दूंगी। ये सारे हमने इसमें नमक और मिर्च लगा दी है और इसे सिर्फ 5 से 7 मिनट हमें एज इट इज छोड़ देंगे। तो जब तक ये हमारी चाप मैरिनेट होते हैं तब तक हम इसका घोल तैयार कर लेते हैं। घोल बनाने के लिए मैंने 1 बाउल के करीब मैदा लिया है और उसका आधा जो है हम आरारोट लेंगे। मेजरमेंट रहेगा आपका, जितना मैदा है उसका आधा ही हमने आरारोट लेना है। और इसमें थोड़ा सा मैं साल्ट डालूंगी, साल्ट हमने उसमें भी डाला है। और थोड़ी सी ही ये मैं लाल मिर्च डालूंगी सिर्फ फ्लेवर के लिए। और इसके साथ मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर भी डालूंगी और इसे मिक्स करके हम इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। हमने धीरे धीरे पानी डालना है इसमें। देखिए ये घोल हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डालूंगी, ये बिल्कुल ज़रा से ही डालना है हमें। और इसे भी हम एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आइए अब हम अपना ऑयल चेक कर लेते हैं। ये मैंने पहले से ही कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था और ये काफ़ी अच्छा गरम भी हो गया है। तो अब हम ये जो हमारी मैरिनेटेड चाप है इसे इस बैटर में अच्छे से कोट करके और इसे हम फ्राई करेंगे। और हमें उतने ही चाप डालनी है जितनी एक बार में आ जाए, एक साथ सारी नहीं डालनी है। और गैस को मैं स्लो कर दूंगी। ये मेरी 3 चाप आई हैं और अभी हम इसे हिलाएंगे बिल्कुल भी नहीं। पहले इसे एक तरफ से पकने देंगे। देखिए ये हमारी दोनों तरफ से सिक गई हैं लेकिन हमें इसे हाफ डन करके वापस निकाल लेना है, हमें फुल फ्राई नहीं करना इसे। अभी मैं इसे हाफ फ्राई करके अलग से रख लूँगी और दूसरा ये हम दोबारा से ये दूसरा बैच भी हम अपना फ्राई कर लेंगे चाप का। देखिए ये हमने अपनी सारी चाप हाफ डन करके फ्राई करके रख लिया है। अब हम इसके ठंडे होने का वेट करेंगे और आगे का प्रोसेस मैं आपको इसके ठंडे होने के बाद दिखाऊंगी। देखिए चाप पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब हम इसमें नाइफ की हेल्प से इस तरह से कट देंगे दोनों साइड से और इसे हम दोबारा फ्राई करेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म है तो हम इसमें डाल देते हैं। और अब हम इसे मीडियम आंच में अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए जब तक ये हमारे अच्छे से फ्राई होते हैं बाकी चाप्स की हम ये स्टिक निकालेंगे। इसे हम दूसरा स्टाइल से भी ऐसे बना सकते हैं, बहुत आसानी से इसकी स्टिक्स निकल जाती हैं।
और ये देखिए हमने ये सारी स्टिक्स बहुत इजीली निकाल ली इनमें से। अब हम इसके पीसेस कर लेंगे। देखिए ये हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और बस अभी से 1 से 2 मिनट और क्रिस्प करेंगे और तब तक मैं इसके लिए एक डिप तैयार कर लेती हूँ। ये मेरे पास पहले से बनी हुई मोमोज की चटनी है, इसकी भी रेसिपी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। और अब मैं इसे गिलास में डाल दे रही हूँ। और जो ये हमारी चाप है इसे हम इसमें से निकाल लेंगे। और इसे इस तरह से बहुत सावधानी से पकड़िएगा, गरम है ये बहुत अभी। और इसमें डाल देंगे इसमें, और इसके ऊपर से हम ये सॉस ऐसे डिप करेंगे इसमें। देखिए ये मैंने इसमें अच्छे से जो हमने सॉस बना रखी थी वो उसमें डिप करके अच्छे से रख दिए हैं। और अब मैं जो ये हमारे पास कटे हुए हैं इन्हें भी तेज आंच में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। देखिए ये हमारे चाप अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। अब मैं इसकी गैस बंद कर दूँगी और इनको निकाल लूँगी। और इसके लिए भी मैं एक दूसरा डिप तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने ये मोमोज वाली चटनी ली है और इसमें मैं एक चम्मच भर के मेयोनीज डालूँगी। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप मेयोनीज थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करके मैं इसमें जो वो फ्राइड चाप थी हमारी वो डालूँगी। और इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर दूँगी। खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, स्पाइसी भी होती है और आप ज़रूर बनाइएगा एक बार इसे। अब मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालूँगी और चाट मसाला हम अपनी पहली वाली चाप में भी डाल देंगे। तो लीजिए तैयार है हमारी स्पाइसी से चाप। इसे आप बरसात के मौसम में इवनिंग स्नैक्स में कभी भी खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।